गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने ननिहाल भेजा दूतों को कि जाओ भरत को बुला लाओ। भरत जी महाराज को जिस रात्रि में महाराज श्री दशरथ के प्राण छूटे, भरत जी महाराज को भयावह स्वप्न हुए। उस देखें रात भयानक सपना, जाग करें कटकोट कल्पना, शिव अभिषेक करें विधि नाना। शिव अभिषेक कर रहे हैं श्री भरत जी महाराज ननिहाल, शिव अभिषेक करें विधि नाना। इतने में दूत पहुंचे, भरत जी समझ गए कि कोई अनहोनी घटना घट गई। भरत जी महाराज चल दिए दूतों के साथ। जैसे अयोध्या में प्रवेश किए तो अयोध्या के लोग भरत जी की ओर देख नहीं रहे। अभी केकई जी को गालियां दे रहे थे अयोध्या के लोग, अब भरत को देख करके भी अयोध्या के लोग गालियां देने लगे, ये षड्यंत्रकारी आ गया, इसी का ये षड्यंत्र है। ये भले ही ननिहाल में था लेकिन अपना काम वहीं से कर रहा था। ये राजा बनने के लिए आया है अयोध्या में। अयोध्या की जनता ने कहा हम सब विरोध करेंगे। भरत जी महाराज तो गंभीर हैं। देखो गंभीर व्यक्ति जो होता है वो सुनता ज्यादा है, सबकी सुनता है, और जो जैसा बोलता है वैसा सुनता है जो गंभीर होता है। भरत जी महाराज कितने गंभीर हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भरत पयोधि गंभीर, समुद्र की तरह गहरे हैं वो, इतने गंभीर हैं। समुद्र कितना गहरा है इसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती, इसका कोई मापदंड नहीं। भरत जी महाराज भावों में कितने गहरे हैं कोई मापदंड नहीं। समुद्र की गहराई कितनी है कुछ अंदाज नहीं है। भरत जी में भावों की गहराई कितनी है ये कोई अंदाज नहीं। भरत जी ने कुछ नहीं कहा। भरत जी महाराज जैसे ही राजमहल के समीप पहुंचे, कथा बहुत लंबी है, केकई दौड़ पड़ी आरती उतारने के लिए आदि आदि शब्द, लेकिन मूल बात मैं सुना रहा हूं, प्रसंग को आगे बढ़ाना है। भरत जी को ये आरती ये सम्मान कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इतनी भयावह स्थिति है कि भरत जी का इस ओर ध्यान ही नहीं है। लेकिन जैसे ही भरत जी महाराज ने गुरुदेव को देखा तो भरत जी ने मन में ये सोच लिया कि विपत्ति के समय गुरु का दर्शन हो जाए तो निश्चित रूप से विपत्ति दूर होती है और जो समस्या होती है उसका समाधान भी होता है। विपत्ति के समय गुरुदेव सामने आ जाए तो समाधान जरूर मिलता है। और आज भरत तेरे सामने गुरुदेव भगवान आ गए, अब तो निश्चित है कि तेरा समाधान जरूर होगा। कोई बड़ी से बड़ी समस्या होगी उसका समाधान अब गुरुदेव ही करेंगे। भरत जी साष्टांग पड़े गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में, कहा गुरुदेव मैं क्या देख रहा हूं अयोध्या क्या हुआ। भरत जी कहते हैं कि आज मैं अपने पिता को एक नाव में देख रहा हूं, वो भी उसमें तेल भरा हुआ है, पिताजी का पार्थिव शरीर तेल भरी नाव में डूबा हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि मेरे पिताश्री अब दुनिया में नहीं है,
वशिष्ठ जी ने कहा, भरत ये सत्य है, ये सत्य है, भैया कहाँ है? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, भैया तो तुम्हारे वन चले गए, वन चले गए। पिताश्री कहां गए? कहा ये स्वर्ग चले गए। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर विरह राव गए सुरधाम। कहां गए? सुरधाम। सुरधाम मानी जहां देवता रहते हैं। तेरे यहां गोस्वामी जी यही लिख देते कि राव गए हरिधाम, तो हरिधाम मानी भगवान का धाम बैकुंठ, लेकिन राव गए सुर धाम, जहां इंद्र रहता है, देवता रहते हैं, वहां गए दशरथ। एक बड़ी विलक्षण बात है, दशरथ जी महाराज सुरधाम गए, लेकिन बाली राक्षस है राम बाल निज धाम पठावा, भगवान ने उसको अपने धाम भेजा। निज धाम मानी हरि धाम, मानी वैकुंठ। तो बाली की तुलना दशरथ जी से करो, दशरथ जी की तुलना बाली से करो, क्यों? जमीन आसमान का अंतर है, बोलो है कि नहीं? बाली अत्याचारी है, इस अत्याचारी बाली को भगवान ने निज धाम भेजा, और पिता की हैसियत रखने वाले महाराज श्री दशरथ, हैसियत नहीं वो तो पिता है ही, लेकिन आज अपने पिता को वैकुंठ नहीं भेज रहे हैं, अपने नाम के प्रभाव से केवल सुरधाम भेज रहे हैं, बल्कि नाम के प्रभाव से महाराज श्री दशरथ को जाना चाहिए था हरिधाम, जाना चाहिए था ना नाम के प्रभाव से, लेकिन बड़ी विडंबना है, इसका भी समाधान करूंगा। लेकिन अभी थोड़ा भरत जी महाराज जो चर्चा कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा हम विस्तार देंगे। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव ये सब हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? तो सुन हूं भरत भाभी प्रबल बिलख कहे जस अप जस विधि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। मंगल हो सदा सुख कल्याण। हमारे मैहर के राजा जिन्होंने, जिस राज्य ने सदा धार्मिक मान्यताओं को प्राथमिकता दी, वह राज्य और आज भी राजमाता नित आती हैं, संतों के बीच में बैठ के सत्संग सुनती हैं, आज
पुत्र एवं पुत्र वधू है ना, ये दोनों ही जो वर्तमान में राजपद पर आसीन हैं, आज उन्होंने भी संतों का दर्शन किया। संतों के बीच में एक घड़ी, यद्यपि उन्हें जाना है, महाराज जी संकेत कर रहे थे महंत जी कि थोड़ा विशेष कार्य से, तो एक घड़ी आधी घड़ी आधव में पुण्याध तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। थोड़ा बहुत भी सत्संग और संतों का दर्शन हो जाए वही जीवन का कल्याण कर देता है। इसलिए मैं इस व्यास मंच से, व्यास पीठ से विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। चर्चा चल रही थी भरत, ये विडंबना है। भरत जी ने कहा गुरुदेव आदेश करे। वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय अयोध्या को संभालना आवश्यक है, कहीं अयोध्या रसातल में न चली जाए, इसके लिए भरत अयोध्या को बचाना जरूरी है। और तुम आ गए हो, मुझे पूरा विश्वास है कि भरत तुम अयोध्या को बचा लोगे। जो अंधकार अयोध्या में दिखाई दे रहा है, हे भरत तुम अब आ चुके हो, अवश्य ही तुम्हारे द्वारा अयोध्या को प्रकाश मिलेगा। भरत जी ने कहा कि जो जगत का जगत को प्रकाश देता है उसको तो आपने अयोध्या से दूर कर दिया, और मुझसे ये आशा आप कर रहे हैं कि मैं अंधकार दूर करके प्रकाश दूंगा, तो मेरे पास प्रकाश के लिए है क्या? वशिष्ठ जी ने कहा देखो भरत, राम में और तुम में अंतर है ये मैं मानता हूं, लेकिन प्रकाश दोनों ही देते हैं। राम भी प्रकाश देते हैं और भरत तुम भी प्रकाश देते हो। भरत जी ने कहा नहीं, मेरे ही द्वारा तो अंधकार हुआ है, ये अभागा भरत अगर इस दुनिया में ना होता तो ये अंधकार भी अयोध्या में नहीं आता। घर मसान जन पर जन भूता सुतमित मीत मनहु जम दूता, ये भरत के द्वारा ही तो हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा इस समय भरत तुम अति व्यथित हो, इसलिए जो व्यक्ति अति व्यथित होता है वो व्यक्ति क्या बोल रहा है इसका भान उसे नहीं होता, क्या बोल रहा है इसका भान उसे नहीं होता है। इस समय तुम अति व्यथित हो इसलिए तुम्हें ये भान नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। राम में और तुम में अंतर है, रघुवंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है और रघुवंश में राम का भी जन्म हुआ, लेकिन रघुवंश में राम क्या है और रघुवंश में भरत तुम क्या है? राम है तहां राम रघुवंश मणि, राम जी रघुवंश की मणि है। क्या है? रघुवंश की मणि। लेकिन भरत तुम रघुवंश के क्या हो? जानहू सदा मृत्यु के पूर्व महाराज दशरथ ने भी यही कहा था कि भरत क्या है, भरत आ जाए तो उसे राजा बना देना, क्योंकि इस अंधकार को अगर कोई दूर कर सकता है तो केवल भरत और कोई दूसरा नहीं। क्योंकि जानो सदा भरत कुल दीपा, कौशल्या जी कह रही है हाँ यही बात तो मुझसे भी कही। वशिष्ठ जी बोले यही तो मैंने सुना, सुमंत जी बोले यही मैंने भी सुना है कि जानो सदा भरत कुल दीपा, भरत कुल का दीपक है।
प्यारे सूर्य से प्रकाश मिलता है। बोलो मिलता है कि? वशिष्ठ जी ने कहा राम जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मैं मानता हूं भरत सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन भरत सूर्य अस्त भी होता है, होता है कि नहीं? आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ सूर्य के रूप में जो अस्त हो चुके हैं, दूसरा विकल्प होता है प्रकाश के लिए मणि, तो जो रघुकुल की मणि राम हैं, वो भी अयोध्या से दूर हो गए। महाराज दशरथ सूर्य हैं, ये अस्त हो गए हैं। प्रकाश की दूसरी व्यवस्था मणि के पास होती है, मणि में भी प्रकाश होता है, लेकिन मणि अयोध्या से दूर। लेकिन जब सूर्य अस्त हो जाए और प्रकाश देने वाली मणि भी दूर हो जाए, उस समय प्रकाश के लिए विकल्प केवल दीपक होता है। भरत तुम दीपक के रूप में, जानो सदा भरत कुल दीपा, आज तुम्हारे द्वारा ही प्रकाश मिलेगा। भरत जी ने कहा कि मणि को ले कौन गया, मणि को कौन ले गया अयोध्या से दूर? वशिष्ठ जी बोले मणि को फणी ले गया, मणि को फणी। अच्छा बोलो मणि को कौन ले जाता है दूर, जल्दी बोलो, फणी। और लक्ष्मण क्या है? फणी। और राम जी क्या है? मणि। इसका मतलब है कल सुमित्रा जी ने जो कहा था कि तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाए, तो लक्ष्मण का भाग्य ले गया कि नहीं ले गया राम को बन? दूसर हेतु तात कछु नहीं। तो लोग ये कहना चाहते हैं अथवा अर्थ करते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी को ले गए बन, मैं कहता हूं लक्ष्मण ही राम को बन ले गए हैं, क्योंकि फणी जो है मणि को ले गया। फणी किसको ले गया? मणि। लक्ष्मण फणी है और राम जी मणि है, भरत जी दीपक हैं, महाराज दशरथ सूर्य हैं। भरत अब तुमको प्रकाश देना है। भरत जी ने कहा कि मुझे वन भेज दिया जाता तो क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत? वन में मणि का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, ना फणी का कुछ बिगड़ सकता है, क्योंकि फणी के साथ मणि, मणि के साथ फणी, चाहे जितनी आंधी चले लेकिन मणि बुझ सकती है क्या? मणि का प्रकाश कोई आंधी तूफान मंद कर सकता है? नहीं। मणि को अगर समुद्र में फेंक दिया जाए और हजारों वर्ष बाद निकाला जाए तो बोलो भाई प्रकाश देते हुए निकलेगी मणि की प्रकाश हीन मणि के प्रकाश युक्त मणि? बोलो प्रकाश युक्त मणि, प्रकाश देते हुए निकलेगी। समुद्र के गहरे जल से भी मणि को निकाला जाए तो प्रकाश मिलेगा। वन में मणि सुरक्षित है और मणि की सुरक्षा में फणी है, क्योंकि फणी अगर पास में है तो मणि को कोई ले सकता है, टच कर सकता है। 24 घंटे फणी जाग रहा है मणि के लिए, जाग रहा है। किसके लिए जाग रहा है फणी? बोलो, मणि के लिए, कि मणि को कोई छू नहीं सकता है। कछुक दूर सजवान शरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। लक्ष्मण जी सोए ही नहीं। बोलो फणी को किसकी चिंता रही 14 वर्ष तक? मणि की चिंता रही। लेकिन भरत तुम दीपक हो, दीपक को अगर वन में रख दिया जाए तो दीपक बुझ जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मणि की शोभा
तिजोरी के अंदर नहीं है, मणि की शोभा भवन में नहीं है, मणि की शोभा वन में है और दीपक की शोभा भवन में है। इसलिए दीपक को भवन में रहना चाहिए और मणि को वन में रहना चाहिए। दीपक भवन में रहेगा तो उस दीपक के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता है, कोई ना कोई संभालता रहेगा। दीपक को अगर संभालते रहो तो दीपक बुझ सकता है क्या? और संभाल करने के लिए मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं संभालूंगा। दीपक बुझ नहीं सकता है। भरत जी ने कहा कि भवन के अंदर की सारी जिम्मेवारी मां की होती है। किसकी होती है? मां की होती है। और राजमाता के रूप में मां कौशल्या है। भरत जी ने कहा पिताश्री के मरने के बाद मैं राजा मानता हूं अपने बड़े भैया। और बोलो राजमाता का पद किसे मिला है? कौशल्या माँ। इसलिए भवन के अंदर दीपक को गुरुदेव संभालती है तो मां संभालती है। इस महल के अंदर की संपूर्ण जिम्मेदारी मां कौशल्या की है। लेकिन कौशल्या मां के हृदय पर क्या बीत रही है कल्पना करो आप। इस अभागे भरत को, ये भरत तो कौशल्या मां के पास नहीं जा सकता, हिम्मत नहीं है। क्योंकि मेरी मां कैकेयी ने जो करनी की है उस करनी का परिणाम इस अभागे भरत को भोगना पड़ेगा। उसी समय कौशल्या मां ने ये शब्द सुने तो फूट फूट करके रो पड़ी। कहा भरत इधर आओ। और जैसे भरत का हाथ पकड़ा अपनी गोद में लिटा लिया। और जिस तरह से आंचल से दीपक को संभाला जाता है, क्यों भाई? दीपक जब बुझने लगता है तो मां आंचल से संभालती है कि नहीं संभालती? बोलो, कोई नारी दीपक को संभालती है तो किससे संभालती है? आंचल से। ऐसे भरत की उदासी जब अस्त्याचल की ओर जाने लगी तो उसी समय भरत रूपी दीपक को संभालने के लिए कौशल्या मां ने आंचल लगा दिया। कैसे आंचल लगाया? माता भरत गोद बैठा रे, माता भरत गोद बैठा रे, माता भरत गोद बैठा रे, माता भरत गोद बैठा आंचल से संभालने लगी कि नहीं? कौन संभाल रही है? मां कौशल्या। यहां सुमित्रा नहीं संभाल रही है। राजमाता कौन है? राजमाता है कौशल्या जी। अधिकार किसको है? राजमहल के अंदर अधिकार यदि है तो वो कौशल्या मां का है। कैकेयी का नहीं है ना सुमित्रा का है, कौशल्या मां का। क्योंकि राजमाता है। आज भरत के आंसुओं को पहुंचने लगी अपने आंचल से। बोलो, विपत्ति में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? माताओं ये कौशल्या मां के जीवन चरित्र से सीखो। विपत्ति में संतुलन बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद आज कौशल्या माता ने जहां पति की लाश पड़ी हो वहां कितना धैर्य धारण किया कौशल्या माता ने।
होश नहीं रहता है, लेकिन आज कितना होश है कि भरत को संभाल रही है। किसको संभाल रही है? भरत को संभाल रही है। ईमानदारी से बताओ, इस प्रसंग को कठोर से कठोर हृदय जिसका हो वो सुनेगा, बोलो करुणा में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? लेकिन सुनने की जरूरत है, सुनना चाहिए। ये प्रसंग दूरदर्शन के माध्यम से भी सुना जा सकता है, लेकिन दूरदर्शन में तो दूर का ही दर्शन होगा, लेकिन यहाँ तो पास का दर्शन हो रहा है। पास के दर्शन में जो आनंद है वो दूर के दर्शन में आनंद नहीं है। आज आप सब भगवान हैं जो बड़े बड़े काम छोड़ करके, काम धाम छोड़ करके कथा सुनने के लिए आए। समय का भी भान नहीं रहता है आप सब, कितना बज गया बजने दो। लेकिन ये प्रसंग कौशल्या माने अपने आंचल से आंसू पोंछे भरत, पूरी अयोध्या रोने लगी। अब बोलो भाई, जो भरत के प्रति विरोधात्मक दृष्टिकोण था अयोध्या वासियों का, कौशल्या माता के इस दिव्य अभिनय से बोलो परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? ये जो आक्रोश था वो आक्रोश आज करुणा में बदल गया है, यानी क्रोध करुणा में बदल गया। अयोध्या वासियों का क्रोध कौशल्या माता ने एक क्षण में ही करुणा में बदल दिया और भरत को संभाल रही है। इसका मतलब है कि दीपक बुझने न पावे इसके लिए आंचल से संभाल रही है दीपक को। माताओं, कुल खानदान में जो प्रकाश हो रहा है, एकता अखंडता का जो एक प्रकाश कुल में हो रहा है, वो बुझने ना पावे, वो प्रकाश नष्ट ना होने पावे, उसका अस्तित्व समाप्त ना होने पावे, इसके लिए आप उदारता का परिचय दें। और यही आपकी उदारता ही महानता है। आप पूरे परिवार को लेकर के चले, ये धन संपत्ति के कारण विरोध की दीवार खड़ी नहीं होना चाहिए परिवार में। आज राज्य संपत्ति के कारण ही तो विरोध की दीवार खड़ी हो रही थी, लेकिन सबसे पहले इस विरोध की दीवार को दहाया है तो मां कौशल्या की उदारता ने दहाया है, भरत को हृदय से लगाकर। कौशल्या जी कहती हैं कि राम में भरत में कोई अंतर नहीं है। कौन कहता है कि राम मुझसे दूर हो गया? राम तो मेरे पास, मेरी गोद में है, मेरे हृदय से लगा हुआ है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। भरत में राम में कोई अंतर नहीं है, मुझे तो मिल गया राम। अयोध्या वासियों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, राम मुझे मिल गया है। आज मेरे हृदय से राम लगा हुआ है, मेरी गोद में राम है। सोचो जरा, राजमाता अगर आदेश दे दें अपने राज्य की प्रजा को, तो बोलो प्रजा को स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? केकई नहीं बोल रही है, सुमित्रा नहीं बोल रही है, ये कौशल्या बोल रही है। और कौशल्या इस समय राजमाता है कि नहीं? राजमाता है, पूरा संतुलन राजमाता ने बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? इस तरह से उदारता होनी चाहिए। भरत जी से वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि अब एक काम करो, क्या? तुम गलानी का त्याग करो और इस समय सिंहासन पर बैठो, क्योंकि राजमाता ने भी तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। बोलो कर लिया कि नहीं? यानी यहां तक प्रमाण मिल रहा है
कि भरत जी महाराज को जैसे ही गोद में लिटाया माता कौशल्या ने, उसी समय कौशल्या के हृदय से स्नेह धारा निकल पड़ी। प्यारे, जो एक माँ की पुत्र के लिए स्नेह धारा निकलती है, वैसा ही स्नेह धारा भरत के लिए निकल पड़ी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राम में और भरत में कोई अंतर नहीं है, इसलिए राजमाता ने पुत्र के रूप में भरत को स्वीकार कर लिया है। और महाराज जी दशरथ भी अंतिम श्वास जब निकालने लगे तो समय राय राज पद तुम कहां दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। पिताजी की आज्ञा है तुम्हारे लिए, और माँ ने भी हृदय से स्वीकार कर लिया है, इसलिए भरत करहु राज पर हरहु गलानी, ओ मानहु मोर वचन हित जानी। गिलानी का त्याग करो और सिंहासन पर बैठो। भरत जी ने कहा इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार किसका है? का नियमानुसार तो अधिकार राम भद्र जी का है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यही दिनकर कुल रीति सुहाई, राम भद्र जी का अधिकार है। तो भरत जी कहते हैं जब अधिकार मेरे भैया का है तो आप मुझे विवश क्यों कर रहे हैं? वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारे भैया ने भी समर्थन तुम्हारा ही किया, जब राम जी बन जाने लगे तो ये कह के गए कि भरत प्राण प्रिय पावन राजा, इसलिए भाई का भी समर्थन तुम्हारे साथ है। राम जी ने भी कहा कि भरत आ जाए तो भरत को राजा बना दे। और चक्रवर्ती सम्राट जी ने भी जब अंतिम श्वास निकाली तो कह दिया कि भरत आ जाए तो उसे राजा बना देना। और कौशल्या अपने मुखर सुर में कहो कि भरत राजा बने या न बने, बोलो। तो राजमाता बोल पड़ी कौशल्या धरी धीरज कही पूत पथ गुरु आयसु अही। कौशल्या धरी धीरज कही पथ गुरु आयुष अहि। कौशल्या माने भी समर्थन कर दिया, पूत पथ गुरु आयुष, गुरुदेव की आज्ञा पथ है इसलिए मानो राजा बनो। राम जी ने भी कहा राजा बनो, दशरथ जी महाराज भी कह गए राजा बनो, गुरु जी भी कह रहे राजा बनो, राजमाता कौशल्या जी भी कह रही हैं कि राजा बनो। मंत्रियों से पूछा गया आप सब, मंत्रियों ने कहा कीजिए गुरु आयुष अवश्य कहीं सचिव कर जो। ये जितने मंत्री थे वो भी हाथ जोड़ के कह रहे गुरुदेव जैसा कह रहे वैसे ही आप करो, राजा बन जाओ। लेकिन भरत जी ने कहा ये लेकिन शब्द क्यों आया, लेकिन शब्द क्यों आया? कहे लेकिन शब्द इसलिए आया कि 14 साल बाद जब प्रभु राम लौट के अयोध्या में आएंगे, क्योंकि कह के गए हैं कि लौट के आएंगे, तब गुरुदेव से पूछो उस समय क्या होगा, ये पूछो। 14 साल बाद जब लौट के आ जाएंगे तब क्या होगा? गुरुजी बोले तब तो सौंपिए राज राम के आए। जैसे राम जी लौट के आ जाए तो राम का राज राम को सौंप देना। सेवा करहु स्नेह सुहाए सौंपिए राज राम के आए।
जैसे ही राम जी लौट के आ जाएं 14 साल बाद, तो राम का राज राम को सौंप देना। मंत्रियों ने कहा इसमें थोड़ा सा हम लोगों का भी सुझाव ले लो। क्या सुझाव? कहे 14 साल बाद जैसे ही प्रभु राम लौट के आएंगे तो एकदम सौंपा साफी नहीं होगी, फिर क्या होगा? मंत्रियों ने कहा रघुपति आए उचित जस, तव तस करब बहोर। मंत्रियों ने कहा 14 साल बाद एक बैठक बुलाएंगे हम सब, और उस बैठक में प्रभु राम भी होंगे, भरत भी होंगे, और फिर 14 साल का भरत का कार्यकाल, उस पर विचार किया जाएगा, उचित अनुचित का निर्णय लिया जाएगा, फिर जैसा उचित होगा वैसा ही किया जाएगा। क्यों भाई, ये राजनीति होने लगी कि नहीं होने लगी? बोलो होने लगी राजनीति। बहुत बढ़िया बात है, जरा सुनना, बहुत बढ़िया बात है, तुम लोग भी सुनना, नहीं अपने उसमें लगे रहो। कभी कभी ये लोग ज्यादा मस्ती में हो जाते हैं तो फिर ये सामवेद है, और ये नगर ही सामवेद का है। क्यों भाई? ये सामवेदीय नगर है प्यारे, माँ शारदा जी की प्रत्यक्ष कृपा मैहर धाम के ऊपर है, इसलिए इससे बड़ा संगीत का नगर दूसरा हो ही नहीं सकता है। बोलो भाई, बड़े बड़े संगीतज्ञ माँ शारदा का आवाहन करते हैं, कहते हैं थोड़ी सी कृपा कर दो, थोड़ी सी कृपा, अरे यहां तो कृपा ही कृपा, लेकिन हमारे ऊपर भी तुम लोग कृपा करो। तो आओ सुनो, राजनीति, ये मंत्रियों ने राजनीति की, ये शब्द राजनीति से प्रेरित है कि रघुपति आए उचित जस, तब तस करव बहोर, ये राजनीति से प्रेरित है शब्द। अयोध्या के मंत्री भी राजनीति करना जानते हैं, ये कहने की क्या जरूरत थी कि रघुपति आए उचित जस? वशिष्ठ जी ने कहा कि इसका तात्पर्य क्या हुआ? भरत जी बोले इसका तात्पर्य ये हुआ है, ये मंत्री लोग बताएं ना बताएं, 14 साल बाद एक बैठक होगी, और बैठक में 14 साल के कार्यकाल पर विचार होगा, तो मंत्रियों बताओ क्या विचार करोगे? मंत्रियों ने कहा ये विचार करूंगा कि भरत का 14 साल का कार्यकाल कैसा रहा। वशिष्ठ जी ने कहा ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, ये तो मैं अभी बता देता हूँ, बहुत ही श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, अति उत्तम। तो मंत्रियों ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन की फिर 14 साल बाद जरूरत क्या? क्यों भाई? जिसकी सत्ता विकास ही विकास दे रही है, किसी भी प्रकार की कहीं कोई परेशानी ना हो, किसी भी दल को परेशानी ना हो, हर दल की समस्या का समाधान, हर घर की समस्या का समाधान, गली गली की समस्या का समाधान, और डगर डगर का उत्थान, नगर नगर का उत्थान जिसकी सत्ता के द्वारा हो रहा हो, बोलो ऐसी सत्ता का परिवर्तन आप चाहोगे क्या? नेतृत्व जब सफल नहीं होता है तब परिवर्तन होता है, परिवर्तन की मांग तभी उठती है, और नेतृत्व अगर सफल है तो परिवर्तन होता ही नहीं है। तो मंत्रियों ने कहा कि 14 साल बाद देखेंगे कि भरत का कार्यकाल अगर अच्छा रहा तो नेतृत्व परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा फिर राम जी आ जाएंगे, उनका क्या होगा? ये तो बताओ मंत्रियों,
मंत्रियों ने कहा कि हाथ जोड़ के हम सब प्रार्थना करेंगे प्रभु से। क्या प्रार्थना करोगे? मंत्रियों ने कहा यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु पहले केकई की आज्ञा से 14 साल को गए थे वन, तब इतना विकास हो गया, अब मंत्रिमंडल की तरफ से 28 साल को चले जाओ तो और विकास। ये राजनीति है, ये क्या है? राजनीति। रघुपति आए उचित जस तब तस्करम बहु। भरत जी ने कहा गुरुदेव मेरी भी प्रार्थना सुन, मुझे राज्य चाहिए ही नहीं। क्यों? मेरे नाम का समर्थन जिन जिन लोगों ने किया उनकी कंडीशन क्या हुई, इस पर विचार कर। वशिष्ठ जी ने कहा जैसे, भरत जी ने कहा जैसे, मेरे नाम का प्रस्ताव किसने रखा? कहा तुम्हारी माता केकई ने। अच्छा, प्रस्ताव रखने वाली माता केकई, समर्थन करने वाले का पिताजी? का पिताजी की दशा यह है कि वो सुरधाम चले गए, और माताजी की कंडीशन ये है कि माताजी, वो तीनों माताएं हम देख रहे हैं कि वैधव्य वेश धारण किए हुए। आखिर मेरे नाम के कारण ही तो ये हुआ, पिताजी को जाना पड़ा, माताओं को वैधव्य लेना पड़ा, ओ भैया को भी पता नहीं क्या हो गया था, मेरा इंतजार तो कर लेते कम से कम, लेकिन गए तो मेरे नाम का समर्थन करके चले गए, तो 14 साल को बन चले गए। अब चौथे नंबर पे आप कह रहे हो, समर्थन कर रहे हो, आपका क्या हुआ? मुझे चिंता आपकी है, आपका क्या हुआ? इसलिए आप अयोध्या को बचाने वाले हैं, आपके द्वारा ही अयोध्या बच सकती है, और आज आप ही ऐसी व्यवस्था अयोध्या को दे रहे हैं कि अयोध्या अभी डूब जाए। कैसे डूबेगी भरत अयोध्या? भरत जी ने कहा मोह राज हठ दई हो जवही, तो रसा रसा तल जई है तवही। यदि आप हठ पूर्वक भरत को सिंहासनासीन करेंगे तो निश्चित रूप से ये अयोध्या रसातल में चली जाएगी। मैं सत्य कह रहा हूं, अयोध्या ही रसातल में चली जाएगी। तो भरत अयोध्या बच कैसे सकती है? भरत जी ने कहा अयोध्या तब बच सकती है जब रूठे हुए प्रभु राम को मनाया जाए। रूठे हुए प्रभु राम को मनाया जाए, अगर बड़े लोग रूठ जाएं तो मनाने की कोशिश करो प्यारे, उनको मनाओ, कोशिश करो मनाने की, हानि लाभ पर विचार मत करो। यदि घर के बड़े लोग रूठ जाएं तो एक बार छोटों का धर्म कहता है कि उन्हें मनाना चाहिए। बड़े लोगों में कौन है भाई? अगर माँ बाप रूठ गए तो बोलो बचपन में तुम 100 बार रूठे तो माँ बाप ने मनाया कि नहीं मनाया? जल्दी बोलो, 100 बार रूठे तो माँ ने तो इतना मनाया कि हृदय से लगाया, हिलाया डुलाया चलाया घुमाया, कंधों पर बाप ने बिठाया। क्यों भाई? तुमने कहा हमें घोड़े पर बैठना है तो बाप घोड़ा बन गया, ऐसे ऐसे करने लगा। क्यों भाई? कितना मनाया तुम्हें बचपन में? अगर बुढ़ापे में माँ बाप रूठ गए हैं तो तुम मना नहीं सकते हो क्या? क्यों नहीं मना सकते? मनाना पड़ेगा। बड़ों को मनाओ, बड़े रूठ जाए तो मनाओ। माँ रूठ जाए, बाप रूठ जाए, ताऊ रूठ जाए, चाचा रूठ जाए, मनाओ। देखो मनाने में कितना आनंद है, दूरियां बनाने में आनंद नहीं है, मनाने में आनंद है। मना के देखो तो दूरियां बना लेते हो, रूठ जाते हैं घर के लोग, दूरियां बना लेते हैं।
चलो चलो दूर हटो, कोई मतलब नहीं, कोई लेने देने गलत।